हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो है हमारे 7वें मॉक टेस्ट पेपर ऑफ जीके सेक्शन की। दोस्तों आज हम इस वीडियो में 7वें मॉक टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों यदि आपने 6 मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं, इससे पहले आपको बता दूं कि हम 6 मॉक टेस्ट पेपर डिस्कस कर चुके हैं इस चैनल पर, और आपको प्लेलिस्ट में वो 6 के 6 मिल जाएंगे। आप उन्हें भी देखना इस वीडियो के ओवर होने के बाद। इस वीडियो का वही रूल है जो आप अक्सर करते हैं, 1 से 6, 16 तक की गिनती जो है वो अपनी कॉपी पे लिख लो, और जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत होता है आप वीडियो को पॉज करें, देन अपना उत्तर दें। दोस्तों इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको एचपी पुलिस के रिगार्डिंग हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ऑन करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आएँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक का जो है वो हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर जाएँ और लिंक को ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो का सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ था। यदि आप पढ़ते होंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। प्रथम संगति, द्वितीय संगति, तृतीय संगति, चतुर्थ संगति। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को पॉज किया होगा, देन अपना उत्तर दिया होगा। इसका सही जवाब की ओर चलते हैं। इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, चौथी संगति में ये बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गया था, एक महायान एक हीनयान। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म के लिए आपको याद रखना होगा बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था। ये क्वेश्चन आ जाता है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था, इसके लिए आपको याद रखना है महात्मा बुद्ध। क्या याद रखना है? महात्मा बुद्ध। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा बुद्ध कहाँ जन्म हुआ था इनका, आपने याद रखना है लुम्बिनी का। क्या याद रखना है? नेपाल की लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था वो किस स्थान पर दिया था, किस स्थान पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था, आपको याद रखना है सारनाथ। क्या याद रखना है? सारनाथ। ठीक है, अब बात आ जाती है कि आपको इन चारों का भी पता होना चाहिए कि ये कहां कहां हुई थी। ठीक है, पहला का ट्रिक है आपको याद रखना है राबा, राबा पाका। ठीक है, राबा पाका क्या, ये राजगिरी, पहली राजगिरी। ठीक है, दूसरी वैशाली। ठीक है, तीसरी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। चौथी कश्मीर या कुंडरग्राम। इस प्रकार से आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो है दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज के ऊपर, जो भी इनके वंश थे उनके ऊपर। तुगलक आएगा पहले या खिलजी आएगा, गुलाम आएगा, लोधी आएगा। आपको वीडियो को पॉज करना है, देन अपना उत्तर देना है। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, देन अपना उत्तर दिया होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो सकता है यदि आपको ट्रिक आती हो इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ट्रिक कैसी है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आ जाता है एचपी पुलिस में, है इसकी उम्मीद। जैसे दिल्ली सल्तनत की ये सारी डायनेस्टीज थी। ठीक है, टोटल दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी थी ये, इसको आपने याद रखना है। ट्रिक है सब खाओ टमाटर, सब खाओ टमाटर, टमाटर सब लो मजे। क्या बोला मैंने? सब खाओ टमाटर, सब लो मजे। पहली आई स्लेव डायनेस्टी, जिसे बोलते हैं गुलाम वंश। फिर आया खिलजी वंश, कैसे आया? खिलजी वंश। फिर आया तुगलक वंश। फिर आया सैयद वंश। फिर आया एल से आया लोधी वंश। एम से आया मुगल वंश। ये थी ट्रिक, सब खाओ टमाटर सब लो मचे। सब से आ गया स्लेव डायनेस्टी, मींस गुलाम वंश।
फिर खाओ से आ गया खिलजी, टमाटर से आ गया तुगलक, सब खाओ टमाटर सब, फिर सब से आया सिद सैयद डायनेस्टी, फिर एल से आया लोधी डायनेस्टी, एम से आया मुगल डायनेस्टी। ठीक है, अब आपको और भी फैक्ट याद रखने होंगे, जो मुगल डायनेस्टी थी, सैयद डायनेस्टी थी, तुगलक थी, कीजर, इनकी सारों में डायनेस्टीज के आपको एक एक बंदे का नाम रखना है ज़्यादा, ठीक है, याद रखना है। इससे क्या पता चल गया कि सैयद पूरी डायनेस्टी, जैसे मैंने आपको बताई कि गुलाम वंश फिर खिलजी आया, पहले गुलाम वंश फिर खिलजी वंश फिर तुगलक फिर लोधी, इसका डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। अब आपको क्या याद रखना होगा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, पहला बंदा कौन था, इसके लिए आपने याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके लिए याद रखना है जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। इसके लिए आपने याद रखना है ग्यासुद्दीन तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक। इनके बीच एक डायनेस्टी आई थी सैयद, सैयद सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी का क्या रखना है खिजर खां, क्या रखना है खिजर खां। लोधी का बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। इसके बाद आया था मुगलों का शासन, मुगलों का सबसे पहला राजा कौन था, बाबर, कौन था बाबर। बाबर ने इसके अंतिम राजा, लोधी वंश के अंतिम राजा कौन थे, इब्राहिम लोधी, उसे हराकर अपने जो वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, ये आपको इतने से फैक्ट याद रखने होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था। क्या पूछा मैंने, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था, 1 दिसंबर 1995, 1 जनवरी 1995, 1 नवंबर 1994, 15 अप्रैल 1994। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, देन अपना उत्तर दिया होगा। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके लिए आपने और भी याद रखना है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। कभी पूछ लिया जाए कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ हैं, तो आपने याद रखना है जिनेवा में, कहाँ हैं जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या हो रहा है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको सभी को पता ही होगा, 16 अगस्त 14 सितंबर 25 जनवरी या 11 जुलाई। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, देन अपना उत्तर दिया होगा। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, 14 सितंबर को जो है वो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 14 से 20 तक विश्व हिंदी दिवस सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1900 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस का 1996 का अधिवेशन निम्नलिखित में किसके लिए विख्यात है। इसमें पूछा है जो कांग्रेस का 1896 में अधिवेशन हुआ था वो किसके लिए विख्यात था, मीन्स किसके लिए प्रसिद्ध था। पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया, जहाँ पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, या पहली बार तिरंगा फहराया गया, या इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, देन अपना उत्तर दिया होगा। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है, राष्ट्रगीत जो है वो किसने गाया था, राष्ट्रगीत जो है वो किसने लिखा था, आपको याद रखना है बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या याद रखना है, बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगान की बात करें तो जनगणमन किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और याद आता है कि राष्ट्र भारत के राष्ट्रगान और
के साथ साथ जो है वो टैगोर ने किस और देश का भी राष्ट्रगान लिखा था? वो कौन सा देश था? वो था बांग्लादेश। कौन सा था? बांग्लादेश। और राष्ट्रगीत के संबंधित बंकिम चंद्र चटर्जी और इनके उपन्यास में था ये राष्ट्रगीत। उपन्यास क्या क्या नाम था ये भी पूछ ले जाता है। उपन्यास का नाम था अनंत मठ। अनंत मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहा है? बाली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, हैंडबॉल। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, देन अपना उत्तर दिया होगा। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, लॉन टेनिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन क्या बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति आदेश, फिर कानून द्वारा संसद, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, केंद्र सरकार की अधिसूचना। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, देन अपना उत्तर दिया होगा। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, कानून द्वारा संसद जो है वो जो भी जज होते हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी भी कर सकता है और कटौती भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ आपने याद रखना है जब प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हुआ था तब 5 थे इसके जज, और वर्तमान की बात करें तो अब हो चुके हैं 31। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर एट क्या बोल रहा है? समताप मंडल को की अजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? इसके लिए ऑप्शन है सीवेट्स, फिर डॉब्सन इकाई, फिर मिल्सन इकाई, फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, देन अपना उत्तर दिया होगा। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, डॉब्सन में इसे मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा यूज़ किया जाता है? कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होता होगा ना, कौन सा है वो? वो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। पूरे इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है दोस्तों, जो अजोन परत थी इसका अध्ययन जो है वो किसने किया था? वो एक वैज्ञानिक ने किया था, डॉब्सन नाम के वैज्ञानिक ने किया था, तो ही इस इकाई का नाम डॉब्सन इकाई पड़ गया था। ठीक है, और अजोन परत की मोटाई कितनी होती है? 12 किलोमीटर लगभग इसकी मोटाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्या बोल रहा है? द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? पद्म, संभव, मैत्रेय, अवलोकेश्वर, फिर अशव घोष। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, देन अपना उत्तर दिया होगा। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पद्म संभव। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर टेंथ क्या बोल रहा है? 90 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, देन अपना उत्तर दिया होगा। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हिंद महासागर में इसका जो है वो स्थित है ये ईस्ट 90 ईस्ट रिज। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है इसकी जो है वो महासागरों पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि महासागर में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, वो आपको ये याद रखना है, प्रशांत महासागर जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर इलेवंथ में क्या बोल रहा है? डेबियर होजिस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खम्बत की खाड़ी, पाल्क जल डमरू, पाल्क स्ट्रेट भी बोल सकते हैं इसे, फिर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, फिर सुंदरवन।
उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, देन अपना उत्तर दिया होगा। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। सुंदरबन जो है वो इसका सही उत्तर है, और सुंदरबन के लिए आपको एक और याद रखना है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, संकोष नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? बिहार और पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, फिर असम और पश्चिम बंगाल, फिर बिहार और झारखंड। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, देन अपना उत्तर दिया होगा। इसका सही जवाब जो है वो है असम और अरुणाचल प्रदेश। ये है भूगोल का क्वेश्चन दोस्तों। इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है, संकोष नदी जो है वो आती है उत्तरी भूटान से। कहाँ से आती है? उत्तरी भूटान से आती है, और असम में जैसे ही ये प्रवेश करती है, वहाँ पर आते ही प्रवेश करते ही ये ब्रह्मपुत्र में सम्मिलित हो जाती है, और ये बनाती है दो राज्यों की सीमा के बीच बहने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पॉपुलर क्वेश्चन है, काफ़ी हद तक ये इम्पोर्टेंट है। नाबार्ड जो है वो इसमें भारत सरकार का कितना हिस्सा है? 55%, 59%, 99% और 75% कितना है? आपको वीडियो को पॉज करना है, देन अपना उत्तर देना है। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, जब से आरबीआई ने अपने शेयर जो है वो बेच दिए हैं, तब से भारत सरकार का इसमें हिस्सा 99% हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसके और भी फैक्ट हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्ज़ाम्स में, क्या है इसका? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट। नेक्स्ट इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो HPGK से लिया गया है। कहलूर राज्य के स्थापना जो है वो किसने की थी? ये आपको सभी को आता होगा क्योंकि आप हिमाचल के रहने वाले हो। बीरचंद राय सिंह, पूरब चंद, फिर करम प्रकाश। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, देन अपना उत्तर दिया होगा। इसका सही जवाब जो है वो है बीरचंद। ठीक है, और कब की थी? 6737 ईस्वी में, 637 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, काला टोप वन्य जीव अभ्यारण कहाँ है? मंडी में, लाहौल में, ऊना में और चंबा में। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, देन अपना उत्तर दिया होगा। ये भी क्वेश्चन जो है वो HPGK का है और सभी को आता होगा। ठीक है, इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, ये है क्वेश्चन करंट अफेयर का, ये अभी अभी घटनाएं घटी हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है? क्या बोल रहा है, ऑप्शन रवांडा, फिर केनिया, गाना, कॉन्गो। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, देन अपना उत्तर दिया होगा। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये थे 16 क्वेश्चन जिन कैंडिडेट ने भी ये 16 के 16 अटैम्प्ट किए हैं, वो अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे क्या होता है, मुझे पता चल जाता है कि टेस्ट का लेवल जो है वो हाई था या लो था, और मुझे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, जैसे ही आपके लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट आएगा, 8वां मॉक टेस्ट आएगा GK का, उसमें क्या रखना है, लेवल हाई रखना है या लो रखना है, ये आप पर निर्भर करता है, आपके स्कोर पर निर्भर करता है, आपकी परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो आप एक लाइक कर सकते हैं, बिकॉज आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, तैयारी कर रहे बच्चों के पास ये वीडियो पहुँचनी ही चाहिए। यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप इस वीडियो के लिंक
डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे, वहां पर पीडीएफ कलेक्ट करो और बार बार उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। बार बार जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर कैंडिडेट जो भी तैयारी कर रहा है उसे बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।